अब सीन थोड़ा चेंज हो गया है, मैंने बाइक तो निकाल लिया और जो फीचर्स हैं वो भी बता दूं इसमें। अपने ट्रिप पर जाएंगी दो बड़ी बड़ी बीस्ट, और ये इसलिए कह रहा हूं ना, तुम नहीं बैठ पाओगे ना चला पाओगे ना। ये जो आराम से सो रहा है बंदा, इसको देख रहे हो, ये पूरी रात सोने नहीं देता और सुबह आराम से उठता है, सो रोता रहेगा, खेलता रहेगा। अब देखो इसकी आंखें खुली तो कैसे कर रहा है। हाँ चलो, रात को तुम हमें नहीं सोने देते, सुबह हम तुम्हें नहीं सोने देंगे। उठो 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 उठो। तो गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ, और टाइम हो गया है सुबह के 7 बजने वाले हैं और उठा मैं 5:30 था। बस अब ब्रेकफास्ट करूंगा और यहां से निकलेंगे। आज बहुत सारे काम करने हैं, जो ट्रिप से पहले काम करने होते हैं, तैयारी करनी होती है वो करनी है, तो बहुत सारा काम है और इसीलिए मैं जल्दी उठ गया हूं। तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते हैं और BMW के शोरूम भी शायद जाना हो, क्योंकि टॉप बॉक्स के लिए मुझे पता करना है। काम जल्दी जल्दी निपटाकर बस ट्रिप पर निकलना है। अभी टाइम 10 बजने में 10 मिनट है और जिम से वर्कआउट कर आ गया हूँ, हल्का फुल्का वर्कआउट कर लेता हूँ और अब जा रहा हूँ मैं लैपटॉप ठीक कराने। मेरा लैपटॉप ना बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, मतलब कभी फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है उससे, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ से मैंने सॉफ्टवेयर इसमें डलवाया था एडिटिंग का, तो वहीं से अपडेट कराने जा रहा हूँ और वहाँ से फ्री होकर बाइक लूँगा जाकर और फिर बाइक पर काम कराऊँगा। चलो जी, लैपटॉप का काम हो गया, उन्होंने लैपटॉप रख लिया है, बोल रहे हैं विंडो अपडेट होगी और उसमें 3-4 घंटे लगेंगे, तो 3-4 घंटे बाद हमें दोबारा आना होगा। और एक चीज़ जो मैं अभी तक कैमरे में नहीं बताई, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ, एक फ्लोर या कुछ ग्राउंड फ्लोर ऐसा मिल जाए जहाँ पर मैं अपनी बाइक कार पार्क कर सकूं। तो पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं, जो कि मैंने ऑफ कैमरा ही देखी है, जिसमें से मुझे एक ठीक ठीक लगी और वो भी इसलिए लगी क्योंकि उस पर पार्किंग बहुत थी, मतलब बाहर 6-7 कार पार्क कर सकते हो आप उसके, और ग्राउंड फ्लोर था तो बाइक अंदर पार्क हो सकती है। तो आज 2-3 और देखूंगा, अगर पसंद आती है उनमें से तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी को फाइनल कर दूंगा ट्रिप से आने के बाद, क्योंकि अभी लेने का तो फ़ायदा नहीं, रेंट जाएगा और यूज़ होगा नहीं। थैंक यू। स्पेस मैंने देख लिया है अपने स्टूडियो के लिए, वैसे जिन्हें नहीं पता बता दूं, मेरा स्टूडियो वैसे अभी भी है लेकिन वहाँ मैं यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो इतनी दूर है कि जा ही नहीं पाता, तो इसलिए थोड़ा पास देख रहा हूँ घर के, जो यूज़ कर सकूँ जा सकूँ और मेरी बाइक कार भी वहाँ अच्छे से पार्क हो सकूँ। 2-3 देखे हैं, ट्रिप से आने के बाद मैं फाइनल कर दूँगा। अभी थोड़ा सा सोच लें कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा, सब में ना देखो अलग अलग चीज़ें हैं, किसी में पार्किंग अच्छी मिल रही है, किसी में अंदर से स्टूडियो अच्छा है, किसी में टेरिस मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो कन्फ्यूज़न है कौन सा ले, लेकिन ये कन्फ्यूज़न आने के बाद दूर करके स्टूडियो का काम चालू कर दें। अभी पहले पेट पूजा कर लूँ, बहुत सारा ऑर्डर कर दिया है मैंने क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। चाउमिन भी आ गई, थैंक यू। मुझे यहाँ का पालक पनीर डोसा बहुत अच्छा लगता है, चाउमिन अच्छी लगती है, इडली सांभर, तो इसलिए सब मंगा लिया। अब थोड़ा थोड़ा खाऊँगा क्योंकि भूख लग रही थी, सुबह आया वर्कआउट किया, फिर लैपटॉप के लिए गया, फिर फ्लैट देखने गया, काफ़ी भूख लग गई और टाइम भी बहुत हो गया, तो खाता हूँ। ये जितना भी सामान निकाला है ना, ये मेरे राइडिंग गेयर और ये मेरे पास रेनॉक्स का बैग है जो कि सैडल बैग है, और मैं सोच रहा हूँ मैं एक बार इसमें थोड़ा सा लगेज रख कर ना इसको बाइक पर सेट करके देख लूँ, अगर मेरे पैनियर के अंदर लगेज के साथ ही आ जाता है तो मुझे पैनियर उतारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये बैग अंदर निकालूंगा और इस बैग को ले जाकर होटल में चले जाऊँगा। तो इस पर थोड़ा लगेज रख के मुझे चेक करना है, और ये राइडिंग गियर है तो ये भी कल निकालनी है तो इसलिए मैंने आज ही निकाल लिया, बूट रखे हुए हैं ऊपर और ये मैंने निकाल लिए हैं। ये BMW 1250 GSA के लिए नहीं है, उसमें तो चैन ही नहीं है, ये है अपनी चेरी और जो 310 GS है उसके लिए, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ सारी बाइक चला लूँ, फिर 10 दिन में आऊँगा, जब तक चलेगी नहीं तो बैटरी डाउन हो जाती है, तो अपना चेरी, रानी, BMW जितनी भी बाइक हैं उसको यूज़ कर लूँगा, कार भी यूज़ कर लूँगा, फिर उसके बाद 10-15 दिन खड़ी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चेरी में मैंने दिखाया काफ़ी, बिल्कुल जो उसकी चैन है बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे जंग लग रहा हो, तो शायद ये यूज़ करने से ठीक हो जाए, तो चैन क्लीन और चैन ल्यूप कर लेता हूँ सब बाइकों के, और उसके बाद अपना BMW पे आपको सीधा मिलता हूँ। चैन ल्यूप चैन क्लीन की मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, सीधा आपको अब मैं अपनी BMW 1250 पर मिलूँगा। और इधर है अपनी बड़ी वाली BMW और उधर छोटे वाली, और अभी रोड पर आउटडोर ही खड़ी कर रहा हूँ, ऊपर ये जुगाड़ किया हुआ है जिससे गंदी ना हो, लेकिन आके हम एक फ्लोर ले लेंगे और अब इसको चेक कर लेते हैं लगाकर। और ये भी ना एक 310 का मेरे पर पीछे ट्रेल पैक बड़ा हुआ था, मतलब ये पीछे की साइड ऐसे लग जाता है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, अगर इसमें लग जाता है तो फिर इसको भी कैरी कर लेंगे, इसमें छोटा मोटा सामान आ जाता है सारा। फिलहाल इसको पहनिए, इसमें डाल के देखते हैं।
ये लग तो सही गया लेकिन सामान इसमें ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि इसमें नीचे लाइट अड़ रही है। टॉप बॉक्स में भी चेक कर लेती हूँ, तो ये इस टाइप का है, कुछ आ तो जाएगा सामान लेकिन थोड़ा कम करना पड़ेगा। मतलब बिना इसके रखें तो टॉप बॉक्स में ज़्यादा सामान आ सकता है लेकिन फिर हर जगह टॉप बॉक्स निकाल कर ले जाना ज़्यादा मुश्किल रहेगा, तो मैं इसी में लगेज रख लेता हूँ और इसमें रख कर इसमें आज ही रख दूँगा जो कल सीधा बस निकल जाऊँ। अब सीन थोड़ा चेंज हो गया है, मैंने बाइक तो निकाल लिया लेकिन अब मैं BMW के शोरूम नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अनमोल भाई गया हुआ है, उनसे मैंने बोल दिया है कि वो वहाँ पर मेरा टॉप बॉक्स का प्राइस और जो मुझे और ऐसे लेनी है उनका प्राइस प्लस कब तक मिल जाएगा वो पूछ कर बता दे, तो वो पूछ कर बता देंगे तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी मुझे इतना तो पता है BMW में ऐसा नहीं है कि जाते ही मिल जाए, पहले ऑर्डर देना पड़ता है, फिर 20 दिन 25 दिन 2 महीने जो भी वो टाइम देते हैं उसके बाद सामान मिलता है, तो वो सब वो पूछ कर बता देंगे। तो अपना एक काम तो हो गया, वो जा रहे हैं तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना इसमें ग्राफिक्स का मतलब अपना जो YouTube का नाम या ऐसे कुछ कराना है, चैनल नेम लिखवाना है, वो करा लेता हूँ। एक मेरा रोड का माइक है वो भी चेंज कराना है, तो वैसे तो धूप थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है लेकिन पहले सबसे पहले नाम वाम लिखवा लेते हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं तो कुछ तो अलग कराना है। जैसे अपने लद्दाख वाली ट्रिप पर मैंने लद्दाख 2021 लिखवाया था, तो इस पे देखते हैं कुछ लिखवाएं ना लिखवाएं लेकिन एटलीस्ट अपना यहाँ पर लोगो या कुछ तो लगवाते हैं। लेकिन इस बाइक को यार चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, और जो इसका हॉर्न है ना मुझे नहीं पता वो बाहर से लगा हुआ है या कंपनी का ही है, लेकिन देखो काफ़ी अच्छा है। हायबूसा में जो लगा हुआ था वो तो इतना मतलब धीरे चलता है ऐसे लगता है किसी प्लेटिनम बाइक का या किसी डिस्कवर बाइक का है, लेकिन इसका ठीक है। अब ये पता नहीं चेंज है एसेसरीज है या फिर कंपनी से ही ऐसा आता है, अब अनमोल भाई की बाइक में चेक करना पड़ेगा, उससे पता चल जाएगा। और ये ई रिक्शा पे देखो बंदों को कैसे देख रहे हैं, इसका ये बहुत है कि इसको लोग देखते बहुत, हायबूसा से ज़्यादा देखा है मैंने इसको लोग देखते हैं, क्योंकि सच में यार कैमरे में मैंने भी बहुत देखी है ये, लेकिन कैमरे में बिल्कुल जस्टिस नहीं होता। कैमरे में आपको ये एंगल दिखता है ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन लाइव देखोगे ना जो इसका इंजन है जो बॉक्सर इंजन है और जो इसका बल्किनेस है जो 30 लीटर का टैंक है, इससे इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर आप GS और GS से भी देखोगे तो भी बहुत फ़र्क है। और जो फीचर्स हैं वो भी बता दूँ, इसमें हायबूसा से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। मतलब हायबूसा ने अब जब लॉन्च जनरेशन 3 किया उसमें फ़ीचर्स दिए हैं, पहले तो कुछ थे ही नहीं, लेकिन इसमें उससे भी ज़्यादा फीचर्स हैं। और जो सबसे बेस्ट मुझे लगता था उसमें क्रूज़ लगता था, लेकिन उसमें क्रूज़ में क्या है ना 50 से ऊपर जाने पर ही क्रूज़ लगता था, इसमें मैंने 20 की स्पीड से 22 की स्पीड से लगाया और उसमें भी क्रूज़ लग जाता है, लेकिन हायबूसा में अपनी क्या है ना 50 से ऊपर जाकर ही क्रूज़ लग सकता है। कभी कभी क्या होता है ना यार स्लो करके क्रूज़ लगाकर अपना ग्लव्स ठीक कर लिया या कुछ भी एंगल या कुछ भी धीरे में कर सकते हैं, लेकिन फास्ट में वो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जब स्लो 20-25 में क्रूज़ लगाना हो तो इसमें ये बेनिफिट है। और दूसरा मुझे इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा सब कुछ इसी डिस्प्ले में छोटे से में सब कुछ आ जाता है। और इसको चलाने का ना एक अलग ही मज़ा है, बॉक्सर इंजन है ना तो उतनी जल्दी गर्म नहीं होता जितनी जल्दी हायबूसा का हो जाता है, तो लोकल में या जैसे आप ट्रैफिक में चला रहे हो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ गर्म होता है, नॉर्मल बाइक से ज़्यादा गर्म होता है लेकिन हायबूसा जितना ज़्यादा नहीं होता, तो लोकल जैसे ट्रैफिक में चला रहा हूँ उसमें चला रहा हूँ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, हायबूसा तो पूरी बॉडी ही गर्म हो जाती है उसकी, उसकी आप हैंड ब्रेक और ये यूज़ करेंगे ना ये भी गर्म हो जाती है कुछ टाइम बाद ना गर्मी की वजह से। और ये भैया को देखो एकदम लेफ्ट ले लिया। और एक मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि इसका नाम क्या रखा जाए तो काफ़ी कमेंट्स आए, लेकिन उसमें से अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस वीडियो में भी बताओ कि क्या नाम रख सकते हैं, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना उसमें मैं इसका नाम फाइनल कर दूंगा जो अपनी रोड ट्रिप होने वाली है। मतलब इस वीडियो के बाद आप जो वीडियो देखेंगे वो सिर्फ रोड ट्रिप की देखेंगे, हम सीधा निकल जाएंगे, अब सुबह सुबह निकलना है तो नेक्स्ट वीडियो रोड ट्रिप की आने वाली है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे वीडियो देखने के लिए रोड ट्रिप की देखने के लिए। और जो प्रोग्राम बना है अब वो प्रोग्राम आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो सीधा मैं फाइनल है कि डालूंगा ट्रिप की डालूंगा, अपने ट्रिप पर जाएंगी 2 बड़ी बीस्ट और 2 छोटी बीस्ट, मतलब 4 बाइक तो जा ही रही हैं। और ट्रिप से आने के बाद ना एक काम हो रहा है जो अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, इसमें कराना है। मतलब पहले सोच रहा था अभी करा लूँ लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो वो वहाँ से आने के बाद कराएंगे जिससे ये और प्यारी और सुंदर लगेगी। और जो मैं अभी बोल रहा था कि एक काम है वो मैं आप लोगों से पूछना भी चाहता हूँ, मैं इसमें कराने वाला हूँ रैप, मतलब जो इसके पैनियर और टॉप बॉक्स आ जाएंगे ना तो उनको रैप कराऊंगा और पूरी बाइक को रैप कराऊंगा, एक नया कलर दूंगा। तो एक तो आप कमेंट्स कर बताओ मुझे रैप करानी चाहिए या नहीं, और करानी चाहिए तो कहाँ से अगर सजेशन में है, नहीं तो मुझे जयपुर से ही लग रहा है, एक जयपुर में मैंने देखा है वहाँ जाकर कराऊंगा। अगर आप दिल्ली NCR में कोई
जानते हैं जो अच्छा रैप करता हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, फिर मैं इसको रैप करा लूँगा। पैनियर तो रैप कराना ही है, लेकिन मैं पूरी बॉडी रैप कराऊँगा जो और अच्छी लगे। कलर बिल्कुल नया, कुछ यूनिक सा कराएंगे। और सिग्नल हर 2 मिनट 5 मिनट बाद सिग्नल ही सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन ये हो गया है ग्रीन तो हमें रुकना नहीं पड़ेगा। और सामने डिस्प्ले में आ रहा है रिमोट की नॉट इन रेंज, की वैसे की है मेरी पॉकेट में ही है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंसर की प्रॉब्लम होती है और चीज़ें हैं जिसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम भी दे जाती हैं बाइकें। जैसे इसका की का अभी बता रहा है, वैसे की पास है लेकिन ऐसे ना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती। लेकिन उसका ऑप्शन दिया हुआ है कंपनी ने, इसके नीचे एक जगह है जहाँ पर उस की को टच करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका बाई चांस कभी सेल डाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वहाँ टच करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें मुझे एक दो सेटिंग ऑन करानी है जिसमें BMW में जाना पड़ेगा, इसका टाइम ठीक नहीं बता रहा है। पहले मैं YouTube से या Google से देख कर खुद कोशिश करूँगा आज घर पर, उसके बाद ट्राई करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर कंपनी ही जाना पड़ेगा। और कार में से देखो भाई कैसे पलट पलट कर देख रहा है। और सिग्नल है ना जो हर 2-5 मिनट पे आता है इस रूट पर, जिसपे प्रॉब्लम हो जाती है। वो पूछना चाह रहे हैं कुछ, लेकिन सवाल वही 4-5 रहते हैं सबके, एवरेज स्पीड और प्राइस। भाई दुकान पर तो आ गया लेकिन दुकान ऑफ है, आज फ्राइडे तो फ्राइडे बंद रहती है। फिर भी एक बार नंबर मिलाकर देख लेता हूँ। खोलेंगे दुकान? नहीं खोलोगे? हेलो, लकी बोल रहा हूँ पंकज, ये दुकान खोलोगे आज? नहीं भाई, फ्राइडे ऑफ होता। पूरे दिन नहीं खुलेगी? नहीं। और कल किस टाइम आऊँ? सुबह कितने बजे खुल जाती है? 11 बजे के बाद जब मर्जी आ जाओ। चलो बैग रख देते हैं टॉप बॉक्स में। टॉप बॉक्स होने का फ़ायदा, और अपना ये काम तो नहीं हो पाया लेकिन जो BMW के शोरूम जाना था वो काम हो गया। अनमोल भाई ने उधर रेट पता कर दिए हैं। जो टॉप बॉक्स है ब्लैक कलर का, वो 60,000 का पड़ेगा विद फिटिंग। अराउंड 46-48,000 का है, नहीं 48,000 का है, और फिर उसके लोक आएंगे 6-7,000 के, फिर फिटिंग होगी तो टोटल 60,000 का देंगे। और जो अपने सिल्वर वाले हैं वो शायद 8,000 और सस्ते हैं। सिल्वर ब्लैक में 8,000 टॉप बॉक्स पे फ़र्क है। और जो पैनियस देख रहे हो ना, ये मैंने ब्लैक लगवाए हुए हैं, अगर ये भी सिल्वर कलर में लूँगा तो इसमें भी 15-1,000 सस्ते हैं। चलिए जी, ये भी काम रह गया, अब कल की बोल रहे हैं, लेकिन कल ट्रिप पर निकलना है तो देखते हैं, या तो मैं बोलता हूँ परसों निकल जाएं, क्योंकि एक काम और है जो मेरा रुक रहा है, एक ये है। और टॉप बॉक्स तो उन्होंने बोला है कि अब बुक कराएंगे जब 15 दिन बाद मिलेंगे, तो वो तो ट्रिप पर पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन मेरे पास एक बैग है, उसको पीछे कैरी कर लेंगे, अच्छा बैग है वो, और बाकी सामान पैनियर में आ जाएगा। तो चलिए, जितना काम पॉसिबल था उतना करा, और बाकी काम देखते हैं और क्या करना है। रोड का माइक भी चेंज कराना है, आज जितना काम हो सकेगा आज करेंगे, बाकी फिर प्लान कैंसिल करके थोड़ा काम कल करेंगे और परसों निकल जाएंगे। लेकिन कल मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, कोई अगर रुके तो, अगर निकल गए तो रोड ट्रिप की आएगी, अगर नहीं निकले तो कल वीडियो नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आपको ट्रिप की मिलेगी। अभी तक मेरा कुछ खास काम हो नहीं पाया, जो ग्राफिक्स हैं वो भी कल लगेंगे, और टॉप बॉक्स है वो तो 15-20 दिन में आएगा, तो उसको नहीं, मेरे पास एक बैग है उसको लगा कर ट्राई कर लूँगा। और बाकी घर आ गए हैं, कुछ खा पी लेते हैं, न्यूज़ देख रहे हो पेटीएम से बिल तो भर रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ बाइक कैसी लगी? भूसा से बढ़िया लगी। भूसा से बढ़िया है पर पैसे इतने नहीं खर्च करने चाहिए, लगी तो सही बढ़िया। मुझे तो लगा तुम गुस्सा करोगे। गुस्सा करके करेंगे क्या? कल तो मुझे लग रहा था गुस्सा है, सो रहा है। गुस्सा काम नहीं आएगा हमारा। हाँ, हमारे गुस्से को कौन देखेगा? नहीं, हम देखेंगे, हम आगे से पूछ के लाएंगे। रोड पर खड़ी अभी जगह नहीं है ना, पार्किंग की जगह बना रहे हैं, कर रहे हैं, अभी घूमने जा रहा हूँ ना बस, आके कल निकल जाऊंगा, आके फिर लोड लूंगा। 28 लाख की तो ऐसी बढ़िया कार आती, देखते लोग वो कार 27-28 लाख की, इसे भी देखते हैं। और कार को 27-30 लाख की छोड़ो, 50 लाख की में जाओ कोई नहीं देखता, चाहे कमेंट्स में पूछ लो, लेकिन बाइक पे इस पे हर कोई पलट के देखता, हर कोई। रोड पे गाड़ी चलती तो वो हमें गड्ढे में पता नहीं पड़ती, 27-28 लाख की, इसमें भी नहीं पता चलती है, इसलिए तो है ही एडवेंचर। अब बारिश पड़ी है, जाके देखने के फिर क्या चलती। हाँ, बाहर मैं अभी आया हूँ नीचे से, और बारिश हो गई है इधर, अभी आया, बाकी काम जो करने जाना है ना, देखो बारिश हो रही है, तो बाकी के जो काम है वो अब मैं कार से करूँगा, और अपनी इको स्पोर्ट भी नहीं चलाई तो वो भी चला लूँगा। गाड़ी में कहीं जाओ कहीं आओ, बारिश हो धूप हो, बारिश चमस हो जाडा हो, कुछ भी हो हाँ, सबका अपना अपना मजा है। ठीक है, आपकी बात सही है कि 7 सीटर कार आती, लेकिन ये भी ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूँ ना, तुम नहीं बैठ पाओगे ना चला पाओगे, है ना। एक आदमी बैठ के चल देगा।
एक आदमी के लिए ये पापा शौक वाली चीज़ है, ये घूमने वाली काम वाली चीज़ नहीं है, गाड़ी काम आती है, शौक वाली चीज़। रोड पे भी खतरा ही है, मतलब खतरा ही है। हाँ, इसमें सारे खतरा ही है, रोड पे भी सब खतरा, मतलब चोरी होने का, चोरी होने का ना, कहीं कुछ हो जाए, लुटक जाए। अच्छा, एक्सीडेंट का। हाँ, एक्सीडेंट कार से ज़्यादा तो रिस्क है बाइक पर, लेकिन नॉर्मल बाइक से ज़्यादा सेफ है। नॉर्मल बाइक में जो एक्सीडेंट होगा, इसमें फिर भी पेनियर है वो है तो बच जाता है। सारी चीज़ छोड़ो, चलो वो बताओ, गाड़ी आ जाती वो आ जाती, छोड़ो, लग कैसी रही ये बताओ, अच्छी लगी नहीं लगी? बढ़िया लग रही। अब सब बाइक में सबसे अच्छी कौन सी है? अब बुलेट ही है या ये है? तो बुलेट ही रहेगी। है बुलेट ही सही है हमारी तो, वैसे पहली से अच्छी लगी है, बुलेट से अच्छी नहीं। सबसे अच्छी बुलेट है, उसके बाद ही है, मतलब बाकी सब बाइक में ही अच्छी लगी है। पहले भी पापा बोलते थे जो अपनी BMW 310 है ना, उसको सबसे अच्छी बताते थे कि हायबूसा भी अच्छी नहीं है, चेरी भी अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी है। आखिर बुलेट तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके अलावा कुछ अच्छी नहीं लगता। सेकंड नंबर पे चलो, अब कुछ ऐसा अच्छा तो लाया जो पसंद आई। बिल्कुल सही, जो पसंद आया, जो तेरे काम की चीज़ है वो, और तुझे देख के खुशहाल में क्या चाहिए। आज हालत ख़राब हो गई, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, जो बाइक में काम कराने गया वो भी नहीं गया। अब मैं आया हूँ रोड के माइक के लिए, मेरा रोड का माइक है जो कि ख़राब हो रहा है मोटो व्लॉगिंग में, कभी कभी इसी वजह से आवाज़ खराब आती है, और दो लिए थे, दोनों ही ख़राब है। बिल जो है वो खो गया है, मिल नहीं रहा है, तो पता नहीं अब गारंटी में ठीक करेंगे या पैसे देकर, लेकिन ठीक कर दें, नहीं तो न्यू माइक लेना पड़ेगा, जो कि रोड का ही लूँ या कौन सा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा। वैसे सबसे अच्छा यही बताते हैं, इसलिए मैंने दो बार लिया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और इससे अच्छा जो 500 का भी लगाया वो काम कर रहा है, मतलब उसमें आवाज़ बहुत ही अच्छी आ रही है। सब ने कमेंट्स में बताया था, लास्ट मैंने वीडियो में पूछा था जब मैं डिलीवरी लेकर आ रहा था। और यहीं पर कहीं एड्रेस है, एड्रेस ढूंढना पड़ेगा इसका, और कीर्ति नगर में आया हूँ, यहाँ पर रोड के माइक का ना सर्विस स्टेशन बता रहे हैं, तो इधर चेक करता हूँ कहीं ना कहीं है इधर आसपास किसी इसी बिल्डिंग में। और अनमोल भाई से भी बात हो गई है, जो मेरा पेनियर था मैंने उसके प्राइस आपको बता दिए थे, उन्होंने लगवा लिया है टॉप बॉक्स पेनियर, जो कि 1.5 लाख रुपए का लगा है, और ब्लैक कलर जो मेरी बाइक में है, ब्लैक पेनियर, अगर वो लगवाते तो 1.65 का, मतलब टॉप बॉक्स लूंगा तो 8,000 रुपये महंगा है, और पेनियर के साथ लेता तो करीब 15,000 रुपये महंगा, मतलब 1.65 का लगता ब्लैक कलर। लेकिन हमें रैप कराने वाला अनमोल भाई भी यही कह रहा है रैप कराऊंगा, मैंने भी पहले से सोचा था पूरी बाइक रैप कराने की, क्योंकि मुझे जो पसंद है वो ब्लैक येलो कलर है, तो देखते हैं अब रैप कराएंगे आकर ट्रिप से आने के बाद रैप करा लेंगे। फिलहाल एड्रेस ढूंढ लिया जाए, और अभी इतनी तेज बारिश हो रही थी, और अब देखो रोड बिल्कुल कैसा सूखा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सा सर्विस सेंटर आ तो गया हूँ, लेकिन माइक अपना जो है ना, इसका बिल नहीं मिल रहा है, तो वो फिर भी कह रहे हैं हम एक बार चेक कर लेते हैं, बाकी माइक ठीक हो जाते हैं, और गारंटी में भी बात नहीं है, ठीक के लिए बोल रहा हूँ, ये वाला मना कर रहे हैं कि ये ठीक भी नहीं होगा, सिर्फ चेंज करके देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहनों और भाइयों, अपना मिल गया है नया, मतलब इत्तेफाक कह लो या किस्मत कह लो, और उन्होंने अपने आप अपडेट किया, अपने आप बिल निकाला और दे दिया। और ये जगह देख रहे हो ना, अगर हम बाइक से आते हैं तो बाइक से पूरा ऊपर तक बाइक ला सकते हैं, पूरा रास्ता बना हुआ है बाइक के लिए, जहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पर सर्विस सेंटर है वहाँ तक बाइक से जा सकते हैं। लेकिन मैं हैप्पी हूँ कि ट्रिप पर जा रहा हूँ और अपना माइक नया मिल गया, नहीं तो 6,000 रुपये का फटका फिर लगता। उतना आता नहीं है जितना हमारा डाटा रहता है, इसमें रहेगी कि फोन पे ठीक हो जाए, नहीं हुआ तो फिर आना ही पड़ेगा। अभी जो टाइम हो रहा है ना, 1:15 हो चुके हैं, और लैपटॉप तो ठीक करा लिया, अब घर जाकर देखते हैं एडिटिंग करेंगे, जब कैसी इसी वीडियो को एडिट करूंगा तो उससे अंदाजा हो जाएगा कैसा। बस ट्रिप से पहले जो भी प्रॉब्लम आए, लेकिन ट्रिप पर नहीं आनी चाहिए, इसलिए कोशिश कर रहे हैं अच्छे से ठीक हो जाए। और यहाँ पर देखो कौन आया है, और सुबह भी मैंने बाहर का खाया था, और अब ये ले जा रहे हैं दोबारा बाहर का खिलाने। कहाँ जा रहे हैं सर? विकासपुरी जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए। भाई ऐसा क्या है जो इतनी दूर जा रहे हो मोमोज खाने? आप जाके देखना, मजा ना आ जाए फिर आप बोलना। अच्छा, अब 8-9 किलोमीटर निकल के आए हैं ना, तो कुछ ना कुछ बात है उसमें, खाने के बाद पता चलेगा आपको कि कैसा है उसका टेस्ट। चलो खाते हैं और फिर बताएंगे। और इसकी कार में ना ये लाइटें बहुत अच्छी है, मतलब पूरा अफगानी मोमोज खाओगे ना मजा आ जाएगा। पूरा फोकस फेस पे, मतलब ऐसे जगमग आ गए, 1:15 बजे भी ना पूरी रोशनी दे रही है ये लाइट, ये वाली मुझे भी लगवानी पड़ेगी कार पे, पूरी रोशनी हो जाती है। और यहाँ पर तो तुम्हारे मार्केट लगी है, लेकिन पूरी मार्केट लगी। तो इधर आ गए हमारे मोमोज, कौन कौन से हैं? ये कौन से? स्टीम मोमोज है। और ये वाले कौन से? ये कुरकुरे चिकन है, ये स्टीम मोमोज है, वो खा के देखो मजा आएगा। अभी हाफ हाफ ही मंगाया क्योंकि टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, इसलिए हाफ हाफ मंगाते, टेस्ट करके बताते कैसा है। पकड़ो इसमें, गर्म है टेस्ट, अच्छा कुरकुरे हम बिल्कुल KFC का आ रहा है टेस्ट थोड़ा। बैक टू होम, और आज ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाया, लेकिन जो रोड का काम था ना, रोड के माइक का, वो सबसे अच्छा हो गया कि माइक न्यू मिल गया, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू माइक मिल गया। और रोड का माइक जिस पर है ना, चाहे कोई सा भी हो,
वायरलेस हो कोई भी, ये चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप रोड का माइक लो ना, उसको रजिस्टर्ड करा लो, चाहे 2 महीने 3 महीने कितना भी पुराना हो, आपको उसको रजिस्टर्ड कराओगे ना, तो रजिस्टर्ड कराने के बाद 1 साल और वारंटी मिल जाती है। मेरा भी रजिस्टर्ड नहीं था, अभी उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर्ड किया और उसके बाद मेरे 1 साल और गारंटी मिल गई है। मतलब माइक तो नया मिला ही है और 1 साल की और गारंटी मिल गई है। पूरे साल में कभी भी ख़राब होता है तो वो ठीक कर देंगे, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और अब कल बाकी का काम कराऊंगा और प्लान हमने बना लिया है, हम संडे निकल रहे हैं सुबह सुबह, तो कल मैं लेकिन वीडियो नहीं बनाने वाला, सैटरडे है, ये वीडियो फ्राइडे को बनाइए। सैटरडे में अपना काम करूंगा, जितना भी है जो रह गया वो आपको मैं राइड पर ही कहीं दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या काम कराया। और कल बिना वीडियो बनाए जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर अब नेक्स्ट वीडियो आपको ट्रिप की मिलेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती है, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और चैनल के सपोर्ट के लिए ना यार, जो चैनल पर नए आते हो सब्सक्राइब जरूर कर लिया। अगर मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, बाय, टाटा, सी यू।